हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा पापास किचन। आज अपन बनाते हैं पनीर से भुर्जी, एकदम मज़े में तो अल्टीमेट रहता है। चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ एकदम मस्त रहता है। आप लोग एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और दूसरा ये है कि इसमें घर में जो जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उससे ही अपन ये पनीर का भुर्जी बनाते हैं, दूसरे कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरी नहीं है। तो घर में है सो चीज़ों से एकदम अपना रेस्टोरेंट में जाके अपने खाए सो फील में एक रेसिपी रहता है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई को चढ़ा के अब अपन इसमें ऐड करते हैं 50 ग्राम बटर। बटर के प्लेस में आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से ही ये टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो बटर एक 50 ग्राम्स डाल के उसमें डालते हैं एक टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ये थोड़ा सा मीन्स उसका अरोमा छूटे तक अपन इसको सौते कर लेके उसमें ऐड करते हैं एक 250 ग्राम 250 ग्राम्स ऑफ ऑनियंस बारीक फाइन चॉप, एकदम बारीक कट करके अपन इसको तल लेना है। दूसरा ये है कि अपन ये प्याज तलते से समय ही पूरे मसाले अपन इसमें ऐड करने से ये मसाले पूरे अपने ऑनियंस को लग के अच्छा टेस्ट बढ़ता है। तो इसलिए अपन वन बाय वन अपन ऑनियंस फ्राई करते ही समय ही अपन इसको पूरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेना है। देख लीजिए ये थोड़े से पके बाद इसमें ऐड करते हैं टेस्ट के मुताबिक का नमक, और इसमें लेकिन पनीर में थोड़ा सा रहता है देख के डाल लीजिए, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पेपर पाउडर काली मिर्ची का पाउडर, और ऐड करते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दे के ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि अपन पेपर पाउडर भी डाले हैं इसलिए देख के डाल लीजिए। 1 टीस्पून डाली हूँ मैं, अच्छा सा थोड़ा माइल्ड ही रहना है ये, एकदम स्पाइसी नहीं रहता है, माइल्ड रहने से ही ये टेस्ट आता है अच्छा सा, इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो पूरा अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेके थोड़ी देर पके बाद आप अपन इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये पनीर और कसूरी मेथी का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। तो पनीर के हर सालन में भी आप लोग ये पनीर के रेसिपीज़ में स्पेशली ये कसूरी मेथी मिलाने से एकदम बढ़िया रहता है। और इसमें ऐड करते हैं फाइन चॉप्ड 2 टमाटोस, अच्छा पके हुए लाल टमाटे छोटे छोटे पीसेस कर लेके इसमें ऐड कर लीजिए। कर लेके ये पूरे टमाटे पूरे अच्छा नरम पक गए तक अपन इसको पका लेना है, लिड को लगा दे के अपने टमाटे पके तक कुक हुए तक पका लेना है। देख लीजिए अच्छा सा पक चुका है। तो एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेके वो टमाटे नरम हुए कि नहीं कि एक बार चेक कर लेके पूरे टमाटे अपने नरम हो जाना है, पूरा ऑनियंस वो मसाले वो टमाटे पूरा नरम हो जा, तो उसके बाद अपन पनीर को डालने से अपने को अच्छा सा मिक्स, क्योंकि पनीर ज़्यादा देर कुक होने की ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपन पूरा फर्स्ट ये पूरे ग्रेवी को अच्छा सा पका लिए बाद अब अपन इसमें ऐड करते हैं 250 ग्राम ग्रेटेड पनीर। पनीर जितना लेते हैं आनियंस उतना लेना है, क्योंकि दो इक्वल रहने ही ये टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो एकदम पूरा ऐसा मीन्स पूरा रफली नहीं करना है, स्मूथली हैंडल करते हुए अच्छा सा स्लोली इसको पनीर डाले बाद स्लोली मिक्स कर लेना है इसको। इसके पूरा अच्छा सा मिक्स कर लिए बाद अब अपन इसमें ऐड करते हैं, आप लोग अगर फ्रेश क्रीम होना समझो तो फ्रेश क्रीम ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ, ऑलरेडी बॉयल करके रखे सो एक 50 ml दूध को ऐड कर लेके, क्योंकि अपने को एक ग्रेवी बोलते सो क्रीमी स्ट्रक्चर में अपने एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में रहना है, इसलिए क्रीमी स्ट्रक्चर आने के लिए दूध को ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी ऐड कर लेके, ये नींबू का रस और दूध पनीर डालने बाद ज़्यादा देर कुक होने की ज़रूरी नहीं है, जस्ट 2-3 मिनट्स कुक हुए तो अपने को एनफ है, अपन इसको सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है अपना ये। देख लीजिए इस तरह से धनिया के पत्ते और फ्रेश क्रीम से इसको अच्छा सा गार्निश कर लेके एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में अपन रोटी के साथ, परोठे के साथ, चपाती, नान के साथ अपन अच्छा सा इसके ये ग्रेवी को एंजॉय कर सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। असल रेस्टोरेंट के स्टाइल में कुछ भी कम नहीं रहता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए।
तो देख लीजिए, अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करो, और अच्छे अच्छे नए टेस्टी हेल्दी इजी क्विक डिशेस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।